तो आप सभी का स्वागत है पोकेमोन लास्ट एपिसोड के पार्ट 2 में। पिछली बार हमने देखा था कि आरसीएस और एटेनिटस की लड़ाई में आधी दुनिया खत्म हो जाती है और एटेनिटस एस को हराने के बाद चला गया था, मगर इस लड़ाई में एस का सबसे अच्छा दोस्त म्यूटू मर चुका था। अब आगे एटेनिटस और आरसीएस की लड़ाई के बाद आधी दुनिया खत्म हो चुकी थी और एटेनिटस अपनी टूटी हुई दुनिया को फिर से ठीक करना चाहता था और उसने वैसा किया भी। कुछ लेजेंडरी पोकेमोन के साथ उसने अपनी दुनिया फिर से ठीक कर ली, मगर आरसीएस ने कुछ गड़बड़ियां भी की थी और उसी गलतियों के चलते हुए पूरे पोकेमोन यूनिवर्स के अलग अलग वर्ल्ड में एक टाइम पोर्टल खुल जाता है जिसमें से कई सारे ट्रेनर्स एस कैचन के वर्ल्ड में सीधे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और आरसीएस यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करता है जो उसे कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। आरसीएस को पता चल गया था कि कुछ ट्रेनर्स इस वर्ल्ड में आ पहुँचे हैं, मगर उसे यह नहीं पता था कि टोटल कितने ट्रेनर्स टेलीपोर्ट हुए हैं इस दुनिया में। आरसीएस को कुछ ऐसे ओरा फीलिंग हो रहे थे जो पोकेमोन मास्टर्स के थे। हाँ, कुछ पोकेमोन मास्टर्स भी इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए थे और ये आरसीएस को पता चल जाता है क्योंकि उनकी ओरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उस लेवल के ट्रेनर्स अभी बहुत ही कम है, यानी कि लेजेंडरी ट्रेनर्स भी इस दुनिया में आ चुके थे और आरसीएस ये बात किसी को भी नहीं बताता और वो अपनी दुनिया ठीक करता है और उन सभी ट्रेनर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस आखिरकार सरीना के साथ शादी कर लेता है और फिर से खुशहाली छा जाती है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में। पहले की तरह खुशहाली छा जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एटेनिटस और आरसीएस की लड़ाई में जो भी शहर और रीजन्स तबाह हो चुके थे वो अब फिर से खड़े हो चुके हैं और शांति कायम करे हुए हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका है। और कुछ दिनों बाद सरीना एस से पूछती है कि एस, तुम पोकेमोन मास्टर किस तरीके से बने, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रही थी तब तुम अच्छे ट्रेनर तो थे मगर इतने काबिल नहीं थे कि तुम मास्टर बन पाओ। यह सब कुछ आखिर किस तरीके से हुआ और तुम एक महान ट्रेनर किस तरीके से बन गए, मुझे पूरी बात बताओ। तो ऐ सरीना को बताता है कि तुम म्यूटू को तो जरूर जानती होगी, मैं और म्यूटू एक दूसरे से कई बार मिल चुके हैं और कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई हुई है और इसी दोस्ती के चलते हुए एक बार मैंने म्यूटू से पूछा था कि क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगे और मेरी मदद करना चाहोगे पोकेमोन मास्टर बनने के लिए। तब म्यूटू ने साफ साफ मना कर दिया था, मगर उसने और भी बोला था कि अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पोकेमोन आए जो मेरे टक्कर के लायक हो या फिर तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो तब तुम मुझे ज़रूर बुलाना, तब मैं तुम्हारे तरफ से बैटल करना ज़रूर चाहूँगा। और उसी दिन से ही मैं और म्यूटू काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने लगे। दिन ब दिन मैं और म्यूटू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे। म्यूटू ने मुझे कुछ पोकेमोन के बारे में ऐसी बातें बताई जो मुझे अभी तक नहीं पता थी और म्यूटू ने मुझे पोकेमोन के साथ बैटलिंग स्टाइल, उनके साथ किस तरीके से ऐसी बॉन्डिंग करे और उनको कमज़ोर से ताकतवर कैसे बनाए यह सब कुछ सिखाया। एक तरफ से हम बोले तो म्यूटू मेरा मास्टर था और दोस्त और पोकेमोन भी था। यह सुनने में अजीब लगता है मगर यही सच है, म्यूटू काफ़ी अच्छा था और देखते ही देखते मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और 20 साल कब खत्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 20 साल में एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है और पोकेमोन मास्टर बनने के लिए सभी लोग आते हैं। तब मैंने भी उसमें ट्राई किया और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें सभी रीजन्स के चैम्पियंस को हराना होता है। वो चैम्पियंस के साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल तो था मगर आखिरकार मेरी मेहनत और लगन से मैंने उन सभी को हरा दिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फाइनल में पहुंच गया। और जैसा कि तुमने फाइनल में देखा मैं एक पोकेमोन मास्टर बन ही चुका था, मगर अब ये बातें करना फिजूल है क्योंकि अब मेरा दोस्त म्यूटू नहीं रहा है। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ आरसीएस अपनी की हुई गलती को सुधारने के लिए पूरी दुनिया में आए हुए बाहरी दुनिया से आए हुए ट्रेनर्स को ढूंढने लगता है और वो ढूंढ भी लेता है। उसको पता चल जाता है कि लगभग 100 के आसपास ऐसे ट्रेनर हैं जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ चुके हैं और उनमें से कई ज़्यादा लोग चोर, गुंडे, मोवाली ऐसे थे और थोड़े लोग घर से भागे हुए ट्रेनर्स थे और बहुत ही कम पोकेमोन मास्टर्स थे। आरसीएस ने जो लोग जाना चाहते थे इस दुनिया से उनको अपने घर भेज दिया था
और जो लोग नहीं जाना चाहते थे उनके साथ बैटल कर उनको अपनी दुनिया में भेज दिया था। अब बस इस दुनिया में बाहरी दुनिया से आए हुए 8 ऐसे ट्रेनर थे, यानी कि पोकेमोन मास्टर्स थे, जो इस दुनिया के नहीं थे। आरसीएस उन सभी को एक एक कर मिलता है और उनको बताता है कि आप इस दुनिया के नहीं हो, आपको अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। वो सभी पोकेमोन मास्टर्स काफ़ी अच्छे थे, दिल के बहुत ही अच्छे थे। वो सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि हम इस दुनिया के नहीं है, हम अपने वर्ल्ड के पोकेमोन मास्टर्स थे और इस दुनिया का पोकेमोन मास्टर कोई और है, हमें बस उसके साथ बैटल करने हैं। अगर वो हमें बैटल में हरा देता है तो हम अपने वर्ल्ड में फिर से चले जाएंगे, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हम इस दुनिया में और हमारी दुनिया में आते जाते रहेंगे। जो कि ये बात बुरी नहीं थी, मगर ऐसा करने से टाइम और स्पेस के बीच में जो लाइन थी वो टूट जाती और ऐसा होने से टाइम और स्पेस एक हो जाते और ये दुनिया के लिए बहुत ही ख़राब होता। तो आरसीएस चाहते हुए भी उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता था क्योंकि वो मास्टर्स थे और उनको रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी थी। तो आरसीएस उन सभी को एक बात बोलकर निकलता है कि जैसी आपकी इच्छा, ऐसे ही बोलकर वो गायब हो जाता है और वो सभी पोकेमोन मास्टर्स जो इस दुनिया के नहीं थे वो अलग अलग रीजन्स में चले जाते हैं और वहाँ के चैम्पियंस को चैलेंज कर उनको हरा देते हैं। और वो सभी के सभी 8 मास्टर्स अलग अलग रीजन के असली पोकेमोन चैंपियंस बन जाते हैं। और अब यहाँ से ही हमारी असली पोकेमोन लास्ट एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों आप सभी लोग गस कर सकते हो कि वो पोकेमोन मास्टर्स कौन कौन है, उनके नाम हमें आप कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली पोकेमोन लास्ट एपिसोड Part 3 के वीडियो में। तब के लिए आप सभी लोग प्लीज़ वेट करो और हमें सपोर्ट करते रहो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।